नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, स्टोरी 9 मंथ्स की को लेके हम लोग बात करते रहते हैं रोज, कभी एक बार, कभी दो बार, दो दो बार वीडियोस में आपसे मैं शेयर करती हूँ कि क्या आप लोग मुझे कह रहे हैं और क्या मुझे आपको बताना है। तो आज भी कुछ ऐसा ही शेयर करने वाली हूँ। मैंने आप लोगों से शेयर किया था एक वीडियो कुछ 4-5 दिन पहले, जिसमें मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आप लोग हिस्सा लीजिए, आप लोग अपनी आवाज बनिए, स्टोरी 9 मंथ्स की आवाज बनिए कि ब्रिंग बैक स्टोरी 9 मंथ्स की, अपने ऑडियो और वीडियो भेजिए। आप लोगों ने हमें टेक्स्ट मैसेजेस भेजे जिसमें आप लोगों ने ढेर सारी बातें की और कहा कि स्टोरी 9 मंथ्स की को वापस लेके आओ, चाहे रीटेलीकास्ट शुरू कर दो, जैसे भी हो हमें शो देखना है। मगर इन सब टेक्स्ट मैसेजेस में से 2 लोगों ने डेयरिंग करके भेजे हैं अपने ऑडियोज, यानी कि वॉइस मैसेजेस भेजे हैं। वो 2 कौन है, उनका ऑडियो क्या कहता है, ये मैं आपको सुनाती हूँ। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, अगर हमें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है, चीज हाथ में आती है और फिर चली जाती है। मगर अगर हमारी डिटर्मिनेशन पक्की है कि हमें ये चीज चाहिए ही चाहिए, तो हम इस तरह से अपनी बात को कहते हैं कि पूरी कायनात हमारा साथ देती है। जैसे कि शाहरुख का डायलॉग भी है कि जब हम पूरे दिल से कोई बात कहते हैं तो पूरी कायनात हमारा साथ देती है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा ही कुछ डायलॉग शाहरुख खान ने बोला था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट मैंने आपको सुना दिया जैसा उसका जो थीम था, जो उसका मीनिंग था वो। तो ऐसे ही ये वीडियो मैंने जो बनाया था आपसे शेयर किया था कि आप लोग अपनी आवाज बनिए, अपनी बात कहिए, जब सब लोग एक आवाज में बोलेंगे कि स्टोरी 9 मंथ्स की को लेके आओ, वीडियो शेयर होंगे, ऑडियो शेयर होंगे, तो फिर बात ज्यादा सॉलिड हो जाती है, पहुंचती है लोगों तक जहां तक हमें पहुंचानी होती है। चलिए, ये पहली कोशिश है, 2 लोगों ने डेयरिंग की है, उनके ऑडियो सुनाती हूँ। मगर एंड में फिर से मैं वो नंबर, फेसबुक आईडी और वो सब आपसे शेयर करूंगी ताकि अगर किसी को इन 2 लोगों से कुछ इंस्पिरेशन मिले और वो अपनी आवाज सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं सुनाती हूँ इनका ऑडियो। एक्चुअली आई एम अ फैन ऑफ स्टोरी 9 मंथ की, सो आई विश आवर शो इज रिटर्न एंड कम बैक सून। सो इसीलिए जो एक्चुअली हम वेट कर रहे हैं कि कब आएगा कि नहीं, तो इसके लिए ही। और हमें पता है कि आप बहुत ही अच्छे अच्छे अपडेट देते हैं, सो वी आर वेटिंग। इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है मगर इनके दिल में पूरी इच्छा है कि स्टोरी 9 मंथ्स की को वापस लेके आइए, जैसे कि आप लोगों में है। तो अब दूसरा सुनाती हूँ जो वैशाली ने भेजा है, और वैशाली बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी लग रही है, उनकी आवाज से लग रहा है, सुनते हैं क्या कहती है। हाय मैम, आई एम वैशाली, आई एम टॉकिंग फ्रॉम वसई महाराष्ट्र। मैम, यू टोल्ड टू सेंड योर ऑडियो और वीडियो, आई एम सेंडिंग माई वीडियो फॉर सॉरी ऑडियो फॉर स्टोरी 9 मंथ्स। आई एम वेटिंग फॉर दिस सीरियल फ्रॉम सो लॉन्ग, दे आर नॉट टेलीकास्टिंग दिस सीरियल, आई एम वेरी फेड अप। योर वीडियोज, यू वट यू शेयर मैम, वो दैट रियली मेक मी फ्रेश एंड होपफुल। एंड प्लीज टेल अस इमीडिएटली दैट वेन दिस शो विल कम। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द मेकर्स एंड द चैनल, दे आर नॉट गिविंग अस द क्लू, एंड ओनली योर वीडियो इज द सेवियर फॉर अस। एंड प्लीज मैडम, जल्दी से इस शो को लेके आइए, आपसे ही अब हमें सारी उम्मीदें हैं। थैंक यू सो मच, मेरा ऑडियो मैडम जरूर आप दिखाइएगा अपने वीडियो में। थैंक यू। बिल्कुल वैशाली जी, जल्दी ही आप देखोगे, बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। आपने कहा, मैं यही करती हूँ कि आप सबको होपफुल रखूं, क्योंकि होप है तो सब कुछ है, और अगर होप है तो स्टोरी 9 मंथ्स की भी हम देखेंगे फिर से। तो चलिए, ये थे इन लोगों की कोशिश के कुछ ऑडियोस जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आप भी कोशिश कीजिए, ऑडियो वीडियो जो भी आपका दिल करता है बना के भेजिए, हमारा कॉन्टैक्ट है ये। तो दोस्तों, करिए हिम्मत और कीजिए सपोर्ट अपने शो स्टोरी 9 मंथ्स की को, और देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.